हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के कलयुग में हर कोई इंतज़ार कर रहा है अच्छे समय की शुरुआत कब होगी, कब आएगा सतयुग, ताकि सब लोग एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। कलयुग की जो कि एक अभिशापित युग है, जिसमें हर मनुष्य तकलीफ दुख भोग रहा है, क्योंकि कलयुग में ऐसा ही कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का नतीजा ही भुगतेगा। तो कलयुग की कौन सी बातें सतयुग में नहीं प्रवेश कर पाएंगी, कौन सी चीज़ें कलयुग की जो कलयुग में ही खत्म हो जाएंगी, इसी टॉपिक पर आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी बातें अपने वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। कलयुग में कुछ बातें ऐसी हैं जो कलयुग के खत्म होने तक पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, वो सतयुग में नहीं जा पाएंगे। पहला पॉइंट, कलयुग में लोगों के मन में जो घृणा है एक दूसरे के प्रति, ये घृणा की भावना सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि सतयुग में कोई किसी से नफरत करेगा ही नहीं। तो ये जो नफरत है और जलन की भावना है एक दूसरे के लिए आज के कलयुगी मनुष्य में, ये जलन की भावना और नफरत की भावना, इन दोनों चीज़ों का सतयुग में समावेश, इन दोनों चीज़ों का नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, अमानवीय व्यवहार। आज के युग में आप देख रहे हैं मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इंसानियत के धर्म को निभा रहे हैं और धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। तो मानवता, अमानवीय व्यवहार, मानवता तो जाएगी लेकिन अमानवीय व्यवहार जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं लोगों को, ये बातें कलयुग में खत्म हो जाएंगी, सतयुग में नहीं जाएंगी। थर्ड पॉइंट, अहंकार। अहंकार का सतयुग में कोई नामो निशान नहीं होगा। हर कोई सुख और चैन आनंद से जिएगा, कोई भी अहंकारी नहीं रहेगा। तो अहंकार की भावना जो आज कलयुग में हर एक के पास, मैक्सिमम लोगों के पास देखी जाती है, थोड़ा सा भी कुछ अगर अचीव कर लिया तो कलयुगी मनुष्य को बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है, और उस अहंकार के चलते वो दूसरों का अपमान करने लगता है। तो ये अपमान करने की भावना और अहंकार, ये बात कलयुग की सतयुग में नहीं जाएगी। मेरा अगला पॉइंट, बेईमानी। आज चोर उचक्के दूसरों को झूठ बोलकर दूसरों को लूट रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। तो ये चोरी, ये लूटपाट, ये भी सतयुग में नहीं जाएगी। असंतुष्टि, आज का मनुष्य असंतुष्ट है अपने जीवन से, अपनी लाइफस्टाइल से, ये असंतुष्टि सतयुग में नहीं जाएगी, क्योंकि सतयुगी मनुष्य बहुत ज्यादा संतोषी स्वभाव के होंगे और उनके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी जहाँ पर गरीबी, कलयुग में जो गरीबी है, लोग भूख से तड़प रहे हैं, लोगों के पास अपने जीवन यापन करने के लिए पैसे रुपए नहीं, ये गरीबी भी सतयुग में नहीं जाएगी, गरीबी कलयुग में ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आतंकवाद जो कलयुग में अपनी चरम सीमा पर है, ये आतंकवाद भी सतयुग में नहीं जाएगा। कोई किसी के सामने, किसी के ऊपर, कहीं पर भी सतयुग में इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आतंक का नामो निशान नहीं होगा। कलयुग में ही ये आतंकवाद भगवान कल के खत्म कर देगा। इसके अलावा आज के मनुष्य में और आप क्या देख रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने गिना दिए,
अमानवीय व्यवहार, चोरी, लूटपाट और झूठ बोलना आज जो एक टेंडेंसी बन गई है। सत्यवादी मनुष्य बहुत कम बचे हैं, तो ये झूठ, छलावा, ढोंग, पाखंड, ये सारी चीजें सतयुग में एंट्री नहीं कर पाएंगे, ये कलयुग में ही खत्म हो जाएंगे। आज के कलयुग की जितनी बुराइयां और जीव हत्या, आज का कलयुगी मनुष्य खुद को जिंदा रखने के लिए पेड़ पौधों को भी काट रहा है, प्रकृति से खिलवाड़ यानी नदी नाले तालाब सबको गंदा कर रहा है। तो ये गंदी हरकतों वाले मनुष्य, उनकी ये गंदी हरकतें कि प्रकृति से खिलवाड़ करना और प्राणी की हत्या करना, ये सब कुछ सतयुग में नहीं जाए, ये कलयुग में ही खत्म हो जाए। तो इस तरह से मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने रखा कि कौन कौन सी कलयुग की बातें कलयुग में ही खत्म हो जाएंगी। अगर आपके पास भी आपका ओपिनियन भी कुछ होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हिंदी कमेंट के माध्यम से, मुझे भी जानना अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।